नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज कोई मोटिवेशन नहीं है, आज कोई रैप नहीं है और ना ही आज कोई शायरी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त वीडियो जिसमें मैं आज आपको पेश कराने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर सोलन की मशहूर खोया कुल्फी। जी हाँ दोस्तों, खोया कुल्फी का नाम सुनकर मुँह पानी आ गया। तो दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे पास में दिल्ली के मशहूर उस्ताद जी हैं, जनाब जी हैं, जो पिछले काफी समय से सोलन में कुल्फी का बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं। तो सर, मैं हूँ रॉबिल और मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ पिछले 2 साल से। तो आज मैं आपसे जानने आया हूँ आपके कुल्फी के बिजनेस के बारे में। सर मैं पहले क्या नाम जान सकता हूँ आपका? शादाब आलम। दोबारा बोलेंगे? शादाब आलम। शादाब आलम। तो शादाब जी, आप ये बिजनेस कब से कर रहे हैं? हो गए 15 साल हो गए मैं। 15 साल हो गए। तो क्या रिस्पांस आ रहा है कस्टमर का यहाँ पर? कैसा रिस्पांस दे रहे हैं कस्टमर आपको? अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। कस्टमर बोलते हैं कि अच्छी कुल्फी है, बहुत अच्छी कुल्फी है, खाते भी बहुत हैं। यहाँ पर आपको सोलन में कितना टाइम हो गया? आपको सोलन में? हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब कितने साल? 15 साल हो गए। छोटा सा आया था, इतना आया था मैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि छोटे बच्चे के रूप में आए थे और आज काफी बड़े हो गए, बिजनेस चला रहे हैं। तो बेसिकली कहाँ से सर आप? बेसिकली मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आप? तो यहाँ पर आपके पास कुल्फी खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, आते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मतलब हर जगह से आते हैं। हर जगह से आते हैं। तो सर ये तोहफा जो है गर्मियों का, क्या लोग आपसे सर्दियों में डिमांड करते हैं इसकी? सर्दियों में बहुत डिमांड करते हैं। और कस्टमर से पूछते हैं उनको इनकी शादाब की कुल्फी कैसी लगती है? तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा है अब तक, और आप कब से कुल्फी खा रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो 3 साल हो गए कुल्फी खाते हुए। सोलन में इसको खाना बहुत अच्छा लगता है और कुल्फी खाना बहुत अच्छा लगता है। और आपका नाम क्या? नाम रोजी। तो आपने देखा रोजी जी यहाँ पर सोलन में है और ये काफी समय से शादाब की कुल्फी का टेस्ट ले रहे हैं। पूछते हैं आपका नाम? शिवानी। ये शिवानी जी है, आप कब से यहाँ कुल्फी खा रहे हैं? आपको कैसी लगी कुल्फी यहाँ पर? बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा जरूर कि एक बार आप जरूर आइए और इनकी कुल्फी का आनंद जरूर लीजिए। बनाते हैं दिन में बन जाती है? अब तो फिर वो कोरोना काल चल रहा है इसलिए कम है। अच्छा, वरना पहले बन जाती थी 500 के, 600 बन जाती थी। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मतलब दिन में सारी बिक जाती है? हाँ सारी बिक जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, बस सारी बिक जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है? अभी आपको और अभी मेहनत करनी है आपने? अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी और मेहनत करनी है आपको, करनी पड़ेगी। तो क्या सर हम आज आपके यहाँ पर आपके गेस्ट हैं, क्या हम कुल्फी का स्वाद चख सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाने के पीछे का राज क्या है? राज ये है कि दिल से और मेहनत से काम करते हैं। चलो तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमारे साथ में शादाब जी जुड़े, जिन्होंने हमें बताया अपनी कुल्फी के बिजनेस के बारे में। आशा करता हूँ कि जो इनका बिजनेस है इसमें चार चांद लगे और ये अपने बिजनेस में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, और उसके लिए हम कामना करते हैं। जी सर, यहाँ पर बर्फ वाले भी बहुत खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कुछ नहीं मिलाते, मतलब दूध और चीनी बस। तो मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से एक दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप भी जरूर आइए और यहाँ पे कुल्फी का स्वाद चखिए। जैसे कि बता रहे हैं कोई मिलावट नहीं है, टोटली बिल्कुल आपको क्रीम आइटम मिलेगी यहाँ पर। तो एक बार आप जब भी सोलन आए तो इस दिल्ली के मशहूर खोया कुल्फी का स्वाद जरूर चखें, और कामना करते हैं आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नए ब्लॉग के लिए, नए ब्लॉग के साथ। तब तक मैं स्वाद चखता हूँ इनकी खोया कुल्फी का और जुड़ेंगे आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉबिल द सर्फर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।